बात करते हैं बारिश की, क्योंकि हिमाचल में बारिश से बुरा हाल है। कुल्लू में के मणिकर्ण घाटी के इलाके में कई जगह नदी नाले उफान पर हैं, जलस्तर बढ़ गया है और यहां सैलानियों के वाहन फंस गए हैं। क्रेन की व्यवस्था से गाड़ियों को नाले से दूसरे जगह पर ले जाने की कोशिश चल रही है, क्योंकि कई गाड़ियां फंस गई हैं इस पूरे पहाड़ी इलाके के अंदर। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बारिश और कटान की वजह से कई गाड़ियां फंस गई इस पूरे इलाके के अंदर, और पानी के उतरने का इंतजार किया गया उसके बाद। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप जी न्यूज़ की स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरीके से गाड़ियां फंसी हुई हैं, पलटी हुई हैं और उनको निकालने के लिए कवायद चल रही है, मशक्कत चल रही है। गर्मी की छुट्टियों के बाद तमाम जो लोग हैं वो वहां पर छुट्टियों के लिए गए हुए हैं और ऐसे में कई पर्यटक फंस गए हैं बारिश के कारण। इस पूरे इलाके के अंदर सैलानियों के फंसने से स्थितियाँ परेशानी वाली हैं और उन्हें बचाने के लिए गाड़ियों को, वाहनों को निकालने के लिए तमाम मशक्कत करनी पड़ रही है। क्रेन भी बुलाई गई है और आप देख सकते हैं किस तरीके से गाड़ियां पलट गई हैं। ये पानी का बहाव है, चूँकि ये पहाड़ी इलाका है और इस पहाड़ी इलाके के अंदर अक्सर तेज़ बारिश के बाद जो भूस्खलन है वो भी देखने को मिलता है। नदी नाले उफान के ऊपर हैं, छोटे पुल जो हैं वो टूट जाते हैं। आप देखिए कि किस तरीके से गाड़ियाँ जो हैं वो बह गई हैं, इस रास्ते से नीचे उतर चुकी हैं, जिस तरीके से तेज़ पानी देखने को मिल रहा है, ट्रैक्टर के सहारे कई गाड़ियों को खींचकर बाहर निकाला जा रहा है। और ये पूरा इलाका कुल्लू का है, मणिकर्ण घाटी की ये तस्वीरें हैं हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में, और इस इलाके के अंदर घूमने गए लोग इस समय फंस गए हैं। हालांकि इसमें किसी जनहानि की फिलहाल कोई खबर नहीं है। इस तरीके के हालात कई इलाके के अंदर देखने को मिल रहे हैं जिसमें गाड़ियां फंसी हुई हैं, और आप देखिए कि किस तरीके से एक दो तीन तीन वाहन यहां इस एक फ्रेम के अंदर, इस एक स्क्रीन के ऊपर देखने को मिल रहे हैं। Z News।